इस वर्ष 8 मार्च को है महाशिवरात्रि और उत्सव ऐप लाया है आपके लिए 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी 12 अनजान कहानियाँ। तो आज इस सीरीज का 10वां दिन है और हम बताएंगे महादेव के 10वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नाशिक जिले में स्थित है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम। आपने महामृत्युंजय मंत्र में शिव जी के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या खास है महादेव के इस अवतार में? महादेव के इस रूप में ब्रह्मांड की 3 सर्वोच्च शक्तियां समाहित हैं। हमारे अस्तित्व के निर्माणकर्ता यानी ब्रह्मा जी, पालनकर्ता विष्णु जी व विध्वंसकर्ता महादेव इस सर्वशक्तिमान त्रिमूर्ति के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन किए जा सकते हैं। गौतम ऋषि के आह्वान पर और भगवान शंकर की कृपा से माँ गंगा गोदावरी के रूप में अवतरित हुई। महादेव का यह स्वयंभू शिवलिंग त्र्यंबकेश्वर भी तभी स्थापित हुआ। इस मंदिर की सबसे जागृत पूजा है राहु केतु दोष निवारण पूजा, जिसे काल सर्प योग निवारण पूजा भी कहते हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव जन्म कुंडली के इस सबसे भयंकर दोष से मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि महादेव सर्वशक्तिमान हैं, उनके आगे कोई नहीं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।